हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सबको पता है, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो ये बेस्ट टाइम है न्यू स्मार्टफोन बाय करने के लिए। ये सेल अमेजन पे 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्राइम यूज़र हैं तो आपके लिए 16 तारीख से सेल स्टार्ट हो जाएगी और आप सबको सच में बहुत बढ़िया डील मिलने वाली है, और मैं इन्हीं डील्स के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन 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 अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है, लेकिन अमेजन से ही क्यों। सिंपल है, फास्ट डिलीवरी है, ट्रस्टेड एजेंट है जिससे आप फ़ोन मंगवाते हैं, वो ट्रस्टेड डीलर हैं, और एक रीज़न ये भी है कि आपको यहाँ पर HDFC के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, आप HDFC के डेबिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI पे फ़ोन खरीद सकते हैं। साथ ही एक्सचेंज ऑफर भी है, आप अपने पुराने फ़ोन को 13,500 तक पे एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, बाय नाउ एंड पे लेटर, तो यहाँ आपको 10,000 से 20,000 तक की रेंज में बहुत सारे फ़ोन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला है सैमसंग का गैलेक्सी M01, जो कि आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 5,000 में। ये आपके लिए बेस्ट फ़ोन होने वाला है सिर्फ 5,000 के रेंज में, जिसमें आपको 3,000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। दूसरा है रेडमी नोट 9, जो कि 11,000 का फ़ोन है, लेकिन साथ ही HDFC बैंक ऑफर भी है जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको ये फ़ोन 10,000 तक का मिल सकता है। इसके बाद आता है सैमसंग का M21, जो कि 13,000 का फ़ोन है, लेकिन आपको HDFC के कार्ड से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 6,000 mAh की बैटरी, फुल HD+ डिस्प्ले। और अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूं तो वो है Redmi Note 9 Pro, जो कि 13,000 का फ़ोन है। इस पर फर्स्ट टाइम प्राइस ड्रॉप हुआ है और आपको इस फ़ोन पर भी HDFC का 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज, आपको हर एक फ़ोन पे HDFC के कार्ड 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास HDFC का कार्ड नहीं है तो अपने दोस्त या रिलेटिव से मंगवा लीजिए। अगला फ़ोन है Redmi Note 9 Pro Max, इस पर भी फर्स्ट टाइम प्राइस ड्रॉप हुआ है। इसका प्राइस है 16,000, लेकिन आपको इस फ़ोन पर भी HDFC के कार्ड से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लगभग आपको ये फ़ोन 15,000 के रेंज में मिलेगा। अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले और लॉन्ग बैटरी चाहिए तो आप सैमसंग M31 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको बड़ी स्क्रीन और अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए तो आप Redmi Note 9 Pro Max के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे सैमसंग के और भी बहुत से फ़ोन जो ऑफ़र में हैं, जैसे कि सैमसंग M21, M31 और M31S, जो कि 6 महीने की नो कॉस्ट EMI के साथ आ रहे हैं। जितने भी फ़ोन के बारे में मैंने आपको बताया है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको बाय कर सकते हैं। और अगर थोड़ा ऊपर की रेंज में बात करें, जैसे कि 20,000 से 30,000 की रेंज में फ़ोन की बात करूं, तो सैमसंग का M51, जो कि 22,500 का है, इसमें आपको 7,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और आपको इस फ़ोन पर भी HDFC का 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगला फ़ोन है OnePlus Nord, जो कि 28,000 का फ़ोन है, इस फ़ोन पर भी HDFC का डिस्काउंट है और ये फ़ोन आपको करीब 25,000 के रेंज में पड़ेगा। और अगर 35,000 से ऊपर की बात करूं, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है OnePlus 8T 5G, जो कि 16 अक्टूबर को अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 65 वॉट का वूक चार्जर मिलेगा। और इसके बाद आता है iPhone 11, जो कि फर्स्ट टाइम 50,000 के नीचे की रेंज में आपको मिलने वाला है। इस डील के लिए तो आपको Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम iPhone 11 50,000 के नीचे की रेंज में आपको मिल रहा है। तो इससे अच्छी डील आपके लिए क्या हो सकती है। तो ये कुछ स्मार्टफोन थे जिनके प्राइस और ऑफर्स मैंने आपको बताए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से फ़ोन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है और आप कौन सा फ़ोन इनमें से ख़रीदना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।